लव जिहाद पर छिड़ी जंग काफी आगे निकल चुकी थी। जबरन या फिर बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने के इस मामले पर लगाम लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसमें सजा का कड़ा प्रावधान है। क्या है ये अध्यादेश, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में कभी कभार लव जिहाद के किस्से सभी ने सुने होंगे, लेकिन जब से लव जिहाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, तब से ये शब्द चर्चा और बहस का सबसे गंभीर मुद्दा बन गया है। लव का मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। आपको बता दूं कि इस मुद्दे ने तूल तब पकड़ा जब केरल हाई कोर्ट ने हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द किया था। निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया था, जिसके खिलाफ अखिला उर्फ हादिया के माता पिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया और शफीन के निकाह को रद्द कर दिया था। उसके बाद अखिला उर्फ हादिया के पति शफीन ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की NIA जाँच के आदेश दिए थे और उसी के बाद से इस मुद्दे ने आग पकड़ ली। पर लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़ा अध्यादेश पारित कर दिया है। इस अध्यादेश में लव जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रावधान ऐसे हैं कि अगर कोई धर्म छुपाकर या किसी लड़की का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस अध्यादेश में क्या है आपको बताते हैं। अगर कोई किसी भी व्यक्ति का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो सजा दी जाएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो शादी कैंसिल कर दी जाएगी। नाबालिग और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने पर कठोर दंड का प्रावधान तय किया गया है, यानी कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा दी जाएगी। अगर कोई ये कहता है कि जबरन या लालच देकर या शादी की वजह से धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है, तो ऐसे मामलों में धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को सबूत पेश करने होंगे, यानी स्वेच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन भी साबित करना पड़ेगा कि उसमें स्वेच्छा थी। अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा, ऐसे विवाह को भी शून्य माना जाएगा, यानी कि कानून में ऐसी शादी नहीं मानी जाएगी। अगर कोई सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन का दोषी पाया जाता है तो 3 से लेकर 10 साल तक की जेल होगी, जबकि जुर्माना कम से कम 50,000 रुपए होगा। लव जिहाद को लेकर बीते कुछ दिनों में काफी बयानबाजी हुई है। कई BJP शासित राज्य इसे लेकर कानून लाने की बात कह चुके हैं और कई राज्य इसे लागू भी कर चुके हैं। लव जिहाद पर कई राज्यों में कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है और कड़े प्रावधान लाकर लव जिहाद को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कहीं भी लव जिहाद का कोई जबरन केस सामने आता है तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। कैपिटल TV के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और Capital TV को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।